आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बेमेतरा जिले में कोरोना वैक्सीन की 3300 डोज पहुंची। कोरोना के बचाव के लिए बड़ी उम्मीद के रूप में कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप में बेमेतरा पहुंच गई है। 16 जनवरी को अस्पताल के सफाई कर्मियों को प्राथमिकता के अनुसार पहला डोज 3300 बेमेतरा, बेरला व नावागढ़ को देकर प्रारंभ किया जाएगा। पहली खेप वैक्सीन की पहुंचने से जिले में कौतूहल आम नागरिकों के बीच में रहा। वैक्सीन से भरी गाड़ी आते ही कलेक्टर शिव अनंत तायल ने बुधवार को शाम जिला अस्पताल परिसर में स्थापित जिला वैक्सीन व कोल्ड भंडार गृह पहुंचकर कोरोना वायरस कोविड-19 टीकाकरण के लिए प्राप्त दवाई का अवलोकन किया गया। जिला मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि फिलहाल 333 वायल प्राप्त हुआ है, जो कुल 3330 खुराक है। एक वायल में 10 लोगों के टीकाकरण किया जाएगा। 16 जनवरी से शासन के निर्देशानुसार सर्वप्रथम स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ, महिला बाल विकास विभाग व सफाई कर्मचारियों को यह टीका लगाया जाएगा। इसके बाद पुलिस विभाग और 50 वर्ष से अधिक आयु समूह के नागरिकों को लगेगा। नहीं सर, मुख्य तौर पर जो कोविड का वैक्सीनेशन चालू किया जाना है, टीकाकरण इसके जो कोविशील्ड कंपनी का आ रहा है और ये भारत शासन के द्वारा दिया जा रहा है, और मुख्य रूप से ये सभी जो शासकीय स्वास्थ्य संस्था है वहीं पर लगाया जाएगा और शासन प्रशासन के निर्देश में ये पूरा कार्य किया जा रहा है। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या मार्केट में ये टीका उपलब्ध नहीं है, और इस तरह से यदि किसी के द्वारा भी कॉल किया जाता है कि टीका लगाने के लिए आधार कार्ड दीजिए या अन्य कोई डॉक्यूमेंट दीजिए, तो जब तक यहाँ से निर्देश न हो इस तरह का कार्य नहीं किया जा सकता है, और ये करना भी उचित नहीं है। पर एक प्रकार से फर्जी तरीके की बात आ जाती है कि लोग बाग भ्रम में पड़ करके और अपने उसके लिए या तो किसी प्रकार की राशि दी या कार्ड दिया, ये सब देने की आवश्यकता नहीं है। पूर्णतया निःशुल्क लगाया जा रहा है और सिर्फ शासकीय संस्थाओं में लगाया जा रहा है। उसके लिए जो है टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, ऑलरेडी बन चुके हैं, और अभी 16 तारीख से इसकी लॉन्चिंग भी की जा रही है। मुख्य तौर पर जिला चिकित्सालय बेमेतरा में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरला में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ में। अन्यथा ये बाजार में इस तरह का टीका ना तो उपलब्ध है, ना इस तरह के टीके लगाने की कोई व्यवस्था है। तो लोगों को जो है इस तरह की जो कार्रवाई की जाती है तौर पर उससे बचना चाहिए।